हुजूम उड़ रहा है उनको, उनसे प्यार और मोहब्बत दिखाने के लिए। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सब हरदोई, दूसरा चरण, मकसद लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को विजय दिलाने के लिए, नौजवानों की विजय हो, व्यापारी जिनका पूरा काम ठप हो गया है, नौजवान जिनको रोजगार नहीं है, उन तमाम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगातार जनता के बीच में ये विजय रथ चलेगा। मऊ भी आपका जाना हुआ सर, साथ ही आजमगढ़ भी जाना हुआ और ओम प्रकाश राजभर के साथ बातचीत हुई है, तो क्या समीकरण से बदलते हुए नजर आ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी भी हो रही है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी हर वर्ग को जोड़ करके साथ लाने का काम, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो सामान्य हमारी विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा है उनको साथ लाएंगे। और सर 2017-19 में एक प्रयोग आपने किया है, तो क्या आप लगता है कि छोटी पार्टियों के साथ जब आपका प्रयोग है वो ज्यादा कारगर साबित होगा? क्षेत्रीय दलों की अपनी एक ताकत है, लगातार उन्होंने अपने समाज में काम किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। और सर पिछले 10 दिनों में करीब आप 8-9 जिलों में कम से कम गए हैं, लोगों से मुलाकात भी हुई है, लोगों की फीडबैक क्या है और खासतौर से परेशानी क्या है और लोगों के बीच में जो आप कह रहे हैं कि वो लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं और चीजों को चेंज करने जा रहे हैं? जनता बहुत दुखी है, जनता को बहुत दुख दिया है सरकार ने, महंगाई का, बेरोजगारी का। आप देखिए किस तरह से हरदोई में नजर आ रही है और खास बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी अखिलेश यादव से नजर भी आ रहे थे न्यूज़ 18 से, क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा ये आपको बताते हैं। जो व्यापारी रहता था जो गोरखपुर गया उसको पुलिस ने पीट पीट करके मार दिया। अरे बच के जो कुचल दिए गए गाड़ी से, तो ये तमाम चीजें देखी है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी इनका। पिछले एक हफ्ते में ट्वीट्स जो हैं सर बीजेपी के और तमाम जो हैं, वो लगता है कि वो ट्रैक से आपको उतारने की कोई कोशिश? देखिए ट्वीट तो सामान्य रूप से अपनी बात कही जाती है, आप उस घटना पे, उस मुद्दे पे आपका व्यू पॉइंट क्या है, लेकिन भारतीय कौन सी बात है? उन्हें बताना चाहिए अपने ट्वीट के माध्यम से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि उन्होंने कितना संकल्प पत्र पूरा किया है। आखिरी सवाल सर, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी गए और आप आगरा एक्सप्रेसवे से भी हम लोग होकर के आ रहे हैं, दोनों एक्सप्रेसवे में मूलतः नजर आता है जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, अगर उस पे कोई चलेगा तो उसको पेट दर्द भी होगा और कमर दर्द भी होगी, घर में जाके दवाई खानी पड़ेगी। आखिरकार इन्होंने इतना खराब क्यों एक्सप्रेसवे बनाया है, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जो सघन दौरे पे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई से वो गुजर रहे हैं, अब आप सब तौर से देखे तो लोग तमाम रास्ते पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अपना प्यार उन पे अपना उमड़ रहे हैं। साफ तौर से जो ये पूरी यात्रा है इसका मकसद साफ तौर से यही है कि 2022 का जो चुनाव है उस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को वो विजय रथ यात्रा के माध्यम से विजय दिलाएं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 हरदोई। तो यूपी में सियासत का ये सुपर संडे है और समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी विजय यात्रा की ये तस्वीर जिसमें खास बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी नजर आ रहे थे यूपी के पूर्व सीएम और अखिलेश यादव से, किस तरह से उन्होंने कहा कि ये विजय रथ यात्रा है वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। ये सियासत का सुपर संडे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमाम पार्टियां इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं और हर कोई यही चाहता है कि जनता की नब्ज को टटोले और साथ ही वोट बैंक यहां पर मजबूत कर सके। तो कहीं से प्रतिज्ञा रैली की तस्वीर और कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आज पहुंचेंगे और उसके बाद एक बड़ी तस्वीर यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर नजर आएगी। गोरखपुर की तस्वीर आपके सामने जहां पर प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि ये प्रतिज्ञा रैली प्रियंका गांधी जब करेंगी तो क्या कुछ उनकी तरफ से तमाम चुनावी वायदे दावे सामने आते हैं, नजरें टिकी हुई हैं। तो हरदोई में अखिलेश यादव की जो विजय यात्रा है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है, इस विजय यात्रा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और सहारनपुर में ओवैसी की हुंकार भी सुनाई देगी और अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर खास तैयारियां यहां पर जारी है। हालांकि 3 नवंबर को सबसे बड़ी विश्व कीर्तिमान की तस्वीर नजर आएगी लेकिन आज की तस्वीर भी कुछ कमतर नहीं है। अयोध्या से हमारे सहयोगी निमेश गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। निमेश क्या कुछ कहेंगे आप, तस्वीरें यहां पर दिखा रहे थे कितनी अद्भुत और किस तरह से ऐतिहासिक तस्वीरें यहां पर इस वक्त नजर आ रही हैं।
जी सभी ने, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या दुल्हन की तरीके सजकर तैयार हो गई है और अभी दीपोत्सव में 3 दिन बाकी है। लेकिन अगर राम की पहली की तस्वीरें देखा जाए, रामकथा पार्क की देखा जाए या फिर शोभा यात्रा निकालने वाली तस्वीरें देखी जाए, करीब करीब सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। जिस तरीके का मार्मिक नजारा है अयोध्या दीपोत्सव के लिए, एकदम खूबसूरती के साथ तैयार हुई है हर जगह पर। हर कल हमने एक रात में एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी थी, जो लेजर शो हुआ था वो भी उसकी छटा देखने वाली लायक थी। सभी ने, हम इस समय जहाँ मौजूद है, आपसे कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ये हनुमानगढ़ी का दरवाजा है, यही कहा जाए कि भगवान हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन आरती इसी स्थल पर मुख्यमंत्री करेंगे। ऐसे में यहाँ की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर आम जनमानस को थोड़ी देर के लिए रोका गया है और यहाँ पर पूजन के लिए वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भगवान हनुमान जी की आरती उतारेंगे। उसके बाद रामलला जाएंगे, जहाँ काबुल से लाए जल पे गंगा जल मिला करके रामलला को समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर सर्वी मोहन चौराहे पर